Hey all, welcome back to my channel, friends. Hope you all are doing good in your life. So, आज है अष्टमी और हैप्पी अष्टमी टू यू ऑल. तो बस मैंने ना सुबह उठ के हलवा चने पूरी सबका इंतज़ाम मतलब करना स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद आज छुट्टी थी. हाँ, एक चीज़ का फ़ायदा हो गया कि आज छुट्टी थी, संडे था, सब घर पे थे, तो इसलिए मतलब ज़्यादा बहुत जल्दी नहीं उठी क्योंकि बच्चे भी घर पे थे, मतलब बच्चों को भी आज छुट्टी थी, तो सारी लड़कियाँ मुझे आराम से मिल जानी थी. मतलब बहुत सारी जो है वो हमारे सोसाइटी में हैं, तो आतिश की फ्रेंड्स ही हैं, तो इसलिए उनको मैंने पिछले रात ही बोल दिया था कि आना है हमारे घर पे, तो बता दिया था मैंने कितने टाइम पे आना है. तो बस फिर उसके बाद सारी तैयारी की और ये रही मेरी छोटी छोटी सी क्यूची सब जो हमारी कंजे के आगे हैं और आतिश का फ्रेंड भी है आतिश साथ में, इसको तो आप काफ़ी बड़ी मिल चुके हो. और बस उसके बाद हमने पूजा वगैरह स्टार्ट की और मतलब बच्चों ने खूब इंजॉय किया, हमने खूब गप्पे मारी और कुछ बाद में आई थी कंजे के क्यूट क्यूट सी और आतिश का एक और फ्रेंड आया है. और बस उसके बाद मैं चली थी कीर्तन के लिए. तो कीर्तन में आपको पता ही है हर साल कीर्तन होता है यहाँ पे, तो आज अष्टमी का मतलब वो लास्ट वाला कीर्तन था, तो बस वहाँ पे गए और खूब इंजॉय किया, हमने खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया. और माता रानी के इतना मतलब इतना अच्छे दर्शन हुए ना, इतने अच्छे मैं बता नहीं सकती, बहुत ही मज़ा आया. कुछ क्लिप्स कीर्तन की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं सारा नहीं शेयर कर सकती, मतलब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, तो इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ आपके साथ. और पीछे से भी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक अलग से डाल देती हूँ. और ये रही मेरी फ्रेंड वीनू और हमने काफ़ी देर तक एंजॉय किया रात को और फिर उसके बाद काफ़ी लेट हो गए, लेकिन घर पहुंचने में 8:30 ही बज गए. Hey all, welcome back to my channel, friends. Hope you all are doing good in your lives. तो आज है दशहरा, happy दशहरा to all of you. और आज हम जा रहे हैं ये जो हमने कलश स्थापना की थी ना, तो वो विसर्जित करने जा रहे हैं. तो बस अभी निकले हैं, हमने सुबह पूजा वगैरह की घर पे पहले और फिर उसके बाद अभी जाएंगे. और ये है रोहित और पीछे है आदि. तो बस अभी निकले और वैसे तो सुबह शाम ठंडा हो गया और इस वक्त बहुत टेस्ट हो, बहुत ज़्यादा टेस्ट. बस अभी लेके चलते हैं. मैं भी जहाँ पे मतलब प्रोवाइड करने जा रहे हैं ना, वहाँ फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, उस जगह पे मैं कभी नहीं गई हूँ पहले, तो आज देखते हैं वहाँ पे जाते हैं. यहाँ पे वैसे जो गणपति विसर्जन वगैरह होता है ना, वो वहीं पे होता है, मोस्टली वहीं पे करते हैं लोग, तो आज मैं वहीं जा रही हूँ. और बस अभी ये ले ली है मैंने अपनी. चीज़ें आप भूल रही हैं, लेकिन सही में बहुत मज़ा आता था.
अब हम जा रहे हैं वापस, लेकिन हम पहले करेंगे ब्रेकफास्ट कहीं, बिकॉज अभी ब्रेकफास्ट करना है, तो ब्रेकफास्ट करने चलेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। और फिर मेरी ट्यूशंस हैं और फिर थोड़ा बहुत काम भी है आज, यार शहर है वैसे तो, बट पता नहीं शाम को देखने जाएंगे कि नहीं। आज इसका मन वैसे होता नहीं है ज़्यादा, धर्मशाला में बहुत अच्छा होता है, वहाँ मज़ा आता था देखने का। हर बारी वैसे हम वहीं चले जाते हैं, इस बार ही नहीं गए, नहीं पिछले साल भी नहीं गए थे, पिछले साल आदिश को यहाँ लेके गए थे, बट यहाँ पे जगह ही नहीं मिलती। हेलो ऑल, तो हम आ गए हैं दयाल स्वीट्स भोजन करने। हमने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो बस वी आर एट दयाल स्वीट्स और अभी हम कुछ खाएंगे और फिर घर जाएंगे। देर किए हुए, कुछ काम थे थोड़े बहुत वो करवाए, और यहाँ पे ना बहुत रश हो रहा है, बिकॉज दशहरा मेला टाइप ही लगा हुआ है मतलब, बट ना ऊपर हम दशहरा देखने नहीं गए, बिकॉज पिछली बार ही गए थे, बिल्कुल जगह नहीं थी यार, तो इसलिए हमें पता है कि जगह तो होगी नहीं, तो इसलिए हम गए नहीं। हाँ बस वैसे ही मार्केट में कुछ काम था तो वही कर रहे हैं, और उसके बाद घर जाएंगे, और फिर अभी फिलहाल पहले मंदिर जाएंगे, हनुमान मंदिर अष्टोत्सव भी है। पूरी जगह ना मतलब वो खुशबू आ रही है मुझे, पकौड़े टिक्की, मन कर रहा है खा लूँ, बट पता नहीं क्यों ऐसे, मैं जब ऐसे मेले वेले लगे होते ना मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, कहाँ जा रहे है ना वो अवॉइड करती हूँ मतलब थोड़ा सा। मन कर रहा है हमारी गाड़ी पे ना क्या लिखा हुआ, पीछा भी कुछ लिखा है, नंबर भी लिखा है किसी का। बस अभी हम जा रहे हैं मंदिर और फिर हम जाएंगे, ऐसे लाइट आ रही है, हाँ फिर उसके बाद जाएंगे घर। अभी सोच रहे कुछ वैसे ना कुछ खाने का मन कर रहा है, मेरा मन तो वैसे टिक्की खाने का कर रहा है, और आपको यह कुछ लिखा नज़र आ रहेगा, पढ़ाते पढ़ाते अपने हाथ पे कैलकुलेशन कर रही थी। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मैं ना अभी यहीं पे एंड करती हूँ इस व्लॉग का, नहीं तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, और मैं जल्द मिलूंगी नए व्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़।